हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका क्वर्की मेक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे सुबह 10 बजे। सो गर्ल्स, आज का जो वीडियो है दैट इज़ ऑल अबाउट, मैंने ट्राई किया है एक स्कर्ट इनर, बेसिकली इसको स्कर्ट लेयरिंग स्कर्ट बोला था ऑनलाइन, लेकिन बेसिकली एक स्कर्ट इनर है। एंड मैंने इसको रिसेंटली बहुत सारे जो है पारदर्शी यानी शेयर क्लोथ्स के साथ इस्तेमाल किया, यूज़ किया, एंड मुझे लगा ये बहुत ही यूजफुल एंड मल्टीपर्पज़ है, एंड आई थिंक दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल शेयर क्लोथिंग आइटम्स। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ मेरे कुछ हैक्स वैक्स जो मैंने इसके साथ किए हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि शीयर क्लोथ्स जो होते हैं उनमें इनर अलग से बनवाना इज़ वेरी वेरी यू नो, एक तो अनइकोनॉमिकल होता है, एक टेलर के पास जाओ कपड़ा लो सिलवाओ एंड देन एक पे चलता है, देन दूसरे की लेंथ अलग होती है, स्टाइल अलग होता है, तो उस पर नहीं चलता है। सो बेसिकली मेरे पास एक दो इनर हैं, बट बाकियों के लिए आई थिंक ये एकदम परफेक्ट है। तो बस मैंने सोचा इसी पर ये वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों के लिए भी यूजफुल रहे, बिकॉज यू नो वी आर ऑल अबाउट री यूजिंग एंड री इन्वेंटिंग अ वार्डरोब, एंड एक ही चीज़ अगर मल्टीपल वेज में यूज हो जाए तो ज्यादा इकोनॉमिकल है एंड काफी अच्छा है, राइट? तो इससे पहले कि आप वीडियो की तरफ बढ़े, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए ऐसे और हैक्स, टिप्स, फोटोज, वीडियोस के लिए एंड मेरी पर्सनल स्टोरीज के लिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। और चलिए अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सपोज ये जो लेयरिंग स्कर्ट है मैंने ज़वामे से ली थी, मैंने अमेजोन पे भी चेक की है बट ऐसा कोई स्टफ मुझे दिखा नहीं। साड़ी शेपर्स हैं वहाँ, बट ये साड़ी शेपर से अलग है, क्योंकि साड़ी शेपर बहुत टाइट होता है, वो क्लोविया में भी आता है, बट ये आप देखेंगे इस तरह का है, इसकी जो है इस तरह की लेंथ है, विथ है, लेंथ है, तो ये बेसिकली एक लॉन्ग लेयरिंग स्कर्ट इनर है इस तरह का, जो बेली से लेके पैर तक आता है। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है दैट इज़ आपके पास अगर कोई शीयर स्कर्ट हो, जैसे मेरे पास एक शैम्पेन कलर की शीन से स्कर्ट थी, इतनी ब्यूटीफुल प्लीटेड स्कर्ट है लेकिन बिल्कुल पारदर्शी शीयर है, तो उसे ऐसे नहीं पहन सकते हैं। तो उसके साथ मैंने ये पहना एंड फिर वो एकदम परफेक्ट बन गई। तो इस तरह की स्कर्ट्स का सोल्यूशन यही होता है कि कुछ इनर पहनना पड़ता है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है ऐसी स्कर्ट बनाती ही क्यों है, ऐसी स्कर्ट बनानी चाहिए या जो शेयर ना हो, ऐसा शेयर स्कर्ट कौन पहनेगा। बट एनीवेज ये उसमें एकदम परफेक्ट यूज़ आया। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ जो मैंने आपको जब वो हॉल किया था तब दिखाया था, एंड इसको पहनने से परफेक्टली वो एकदम अच्छे से हो गई एंड मैं उसे अब इसके साथ पहनती हूँ। नाउ नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी मैं इसे किसके लिए पहनती हूँ। नाउ नेक्स्ट ये एक कुर्ती ड्रेस है मेरे पास जो मैं आपको रिसेंटली अपने हॉल में दिखाया था। ये जो है शेयर है, यानी इसमें सब कुछ दिखता है अंदर से, तो इस तरह की एकदम लॉन्ग जो है ये ड्रेस है, तो इसके साथ भी मैं ये पहनती हूँ, ये वाला स्कर्ट इनर, तो इसके साथ भी ये मतलब काफ़ी अच्छा इनर का काम करता है। तो इसमें क्या करती हूँ, पेट की जगह मैं इसको यहाँ तक चढ़ा लेती हूँ और ये एकदम फिट हो जाता है। अगर आपके फिट ना हो तो आप यहाँ पे ब्रास स्ट्रैप से सेफ्टी पिन लगा लीजिए दो जगह, एकदम सिक्योर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइए एज अ जैसे हम ट्यूब ड्रेस पहनते हैं उस तरह पहनिए, उसके ऊपर फिर ये पहन लीजिए, तो एकदम आपका इनर का काम करेगा एंड आपको सेपरेटली इनर सिलवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास क्या है, बेसिकली इसका एक इनर आया था, एक सूट का ये वाला इनर है जो कि मैं इसमें पहन सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो है साइड कट वाला है, तो साइड कट वाला इसमें नहीं पहन सकते एज अ कुर्ती ड्रेस जो होती है, क्योंकि ये साइड में अटैच्ड होती है एंड फिर ये दिखेगा पूरा स्लिट के अंदर से, पूरे पैर दिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे वाले इनर जो हमारे पास होते हैं वो हम नहीं पहन सकते, तो उसके लिए मुझे लगा कि ये वाला जो इनर है एकदम परफेक्ट है, इसको ऊपर करके चढ़ा दें तो ये पैर में 3/4 आता है एंड देन आपकी कुर्ती ड्रेस के साथ आप पहन सकते हो एंड एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। तो सेकेंड जो यूज़ है इसका वो है आप पेयर इट विद द लॉन्ग कुर्ती ड्रेसेस, एकदम परफेक्टली इनर का जो है काम करेगा फॉर शीयर कुर्ती ड्रेसेस। नाउ नेक्स्ट जो है मेरे पास ये कुर्ती ड्रेस है एंड दिस इज़ अ शॉर्ट नी लेंथ ड्रेस। तो इसमें क्या है, अब ऐसी तो कोई इनर होती ही नहीं है जो हमने सिलवाई हो जो नी लेंथ हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हॉजरी वाली शॉप्स पे आपको जो इनर मिलते हैं वो मिलते हैं शॉर्ट कुर्तीज़ के लिए, वो उसमें साइड में कट होता है, जो वाइट शमीजें मिलती है उसमें साइड में कट होता है, तो वो आप इसमें नहीं पहन सकते अगेन, क्योंकि ये पूरी जुड़ी हुई है तो साइड से सब कुछ दिख जाएगा। तो इसमें भी मैंने ये पहना एंड इट वर्क्ड। तो इसमें मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ, इसको नीचे से मैंने ऊपर किया एंड देन चढ़ा के मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया इस तरफ, तो आप इसको अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं और बाहर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरफ फोल्ड करके ये 3/4 पैर से नी लेंथ से थोड़ा सा ऊपर आ गया एंड देन अगेन सेफ्टी पिन से आप सिक्योर कर लीजिए टू द ब्रास स्ट्रैप्स, आप इसको सेफ्टी पिन लगा दीजिए दोनों साइड 1-2 एंड देन ये परफेक्टली काम करेगा। तो आप इसको अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, इस तरह अंदर कर लीजिए एंड देन यहाँ पर आप चढ़ा लीजिए, तो आपका जो भी लेंथ का ड्रेस हो ना इसको फोल्ड कीजिए, खोलिए, लंबा, शॉर्ट,
तब भी ये चल जाएगा एंड परफेक्टली वर्क करेगा। तो ये था तीसरा वे टू पेयर इट विद शॉर्ट ड्रेसेस फोल्ड करके। तो जुगाड़ है, ये जुगाड़ है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा है जुगाड़, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक ये इनर 500 रुपीज़ का था एंड अगर आप शमीजें सिलवाएं अलग अलग के साथ लंबी छोटी तो फिर यार बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास एक लंबी है इनर जो मैंने सिलवाई है फॉर माय चिकनकारी वाइट कुर्ती, लेकिन फिर मैं इसके साथ क्या पहनूँ, वो तो लंबी है इसके साथ तो वो चल जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है दिस इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल शीयर क्लोथ्स। नाउ नेक्स्ट चौथा यूज़ मैंने इसका किया, दैट इज़ मैंने इसको शीयर टॉप्स के साथ पेयर किया। तो मेरे पास ऐसे इस तरह के टॉप्स हैं जो बिल्कुल ही एकदम ही आप देखेंगे इसमें मेरा हाथ दिख रहा है। तो इस तरह के टॉप्स के साथ भी आप ये इनर पहन सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसको पूरा यहाँ तक चढ़ा लिया, ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको फोल्ड करके जीन्स के अंदर डाल दीजिए या जो भी आप पैंट्स पहन रहे हैं उसके अंदर डाल दीजिए। फोल्ड करके ईजिली आ जाएगा क्योंकि बहुत ही पतला कपड़ा है, ये मोटा कपड़ा नहीं है, जैसे ट्यूब टॉप्स का कपड़ा होता है वैसा है। तो इसको यहाँ तक चढ़ा के नीचे से आप फोल्ड कर दीजिए एंड जीन्स के अंदर डाल दीजिए एंड उसके बाद ही आप इस तरह के शीयर जो है टॉप के साथ पहनिए। अगर आपके पास ट्यूब टॉप है स्किन कलर का, वेल एंड गुड, आप वो पहनिए, बट अगर आपके पास ट्यूब टॉप नहीं है तो आई थिंक ये बिल्कुल वर्क करेगा। तो ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि न्यूड कलर है एंड न्यूड कलर वर्क्स विद एवरीथिंग एंड स्पेशली वाइट क्लोथ्स पे न्यूड इनर चलते हैं एंड कलर्ड पे तो चलेंगे ही चलेंगे। तो इसीलिए आई थिंक दिस इज़ ग्रेट फॉर ऑल शीयर क्लोथ्स। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक इट एंड ये जुगाड़ू इनर आपको पसंद आया मेरे हैक्स। मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप मेरी वर्चुअल फैमिली है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपको पता है कि ऐसे वाले लेयरिंग स्कर्ट और कहाँ मिलते हैं, मैंने तो सिर्फ ज़िवामे पे देखा, मैंने अमेजोन चेक किया बट उसमें नहीं था, बट अगर आपको फ्लिपकार्ट या लोकल कहीं पर भी मिलता है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम सबको पता चले एंड हम सब वहाँ से ले लें। तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू पोकी मेक जिंदगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं वहाँ ऐसे और हैक्स टिप्स एंड एवरीथिंग डालती रहती हूँ मेरी पर्सनल स्टोरीज एंड मेरी बेबी के साथ कुछ मोमेंट्स, तो आप वहाँ कैप्चर कर सकते हैं मुझे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पोकी मेक। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।